हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रंजिता शास्त्री फ्रॉम गोवा, एक्सप्रेसिंग माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हैनिमन सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू दिस वंडरफुल मिराक्युलस साइंस. आई एक्सप्रेस माय हार्टफुल थैंक्स टू डॉक्टर अशोक सर फॉर स्टार्टिंग दिस माँ तुम्हें प्रणाम सीरीज एंड एनकरेजिंग द वुमेन पावर ऑफ द ग्रुप. आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई केस टूडे. दिस केस वॉज रेफर टू मी बाई माई मेड. ये मेरी मेड की मौसी का केस है और मेरी मेड ने सडनली एक दिन मुझसे कहा कि मैडम, आप अल्कोहलिज्म के लिए कोई यानी जो दारू पीते हैं उनके लिए कोई मेडिसिन आप दे सकते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, कौन है पेशेंट? तो माई मेड सेड दैट येस, माई मासी इज़ द पेशेंट. लेकिन मेरी मासी को हिंदी नहीं आती है, वो सिर्फ कोंकणी जानती है और उनका जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो जानती है. तो मैंने कहा ठीक है, तो आप बता दो केस, हम देखते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो मेरी मेड ने दी हुई केस है ये. उसकी जो मासी है, शी इज़ अ लेडी अराउंड 40 to 45 years ऑफ एज एंड शी स्टेज इन द ट्राइबल एरिया. इट फॉल्स बिटवीन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका. बहुत ही लो सोशो इकोनॉमिक स्टाटस से बिलोंग करती है पेशेंट. एंड उन्होंने मुझे, मेरी मेड ने कहा कि मैडम इनको दवा देनी है. तो मैंने कहा ठीक है, आप हिस्ट्री बताओ, आपके मासी के बारे में कुछ बताओ. तो मेरी मेड ने कहा कि मैडम मेरी मासी बहुत ही अच्छी है दिल से. तो मैंने कहा अच्छा, और बताओ. तो बहुत ही दयालु दिल की है, बहुत मेहनत करती है, उसके घर को, पूरे घर को वही संभालती है. शी इज़ मैरिड एंड दिस लेडी हैज़ गॉट टू सन्स. उनमें से जो उनका बड़ा बेटा है, शी डजेंट गो वेल विथ हर डॉटर इन लॉ, सो द एल्डर वन स्टेज सेपरेट फ्रॉम द मदर. उनके घर में एक बेड रिडन हस्बैंड है जो पैरालाइज्ड है सिंस मेनी ईयर्स एंड उनका सारा ख्याल रखती है. शी टेक्स केयर ऑफ हिज स्टूल्स, यूरिन, हिज ऑल एवरीथिंग ही डज ऑन द बेड इटसेल्फ. तो उनका पूरा ख्याल रखती है ये लेडी. एंड उनका जो दूसरा बेटा है वो घर में है, ही इज़ जॉबलेस, ही डजेंट अर्न एनीथिंग. सो नाउ आई सेड व्हाट अबाउट योर मासी नाउ. सो दिस लेडी सेड, माई मेड सेड, मेरी मासी बहुत ही दिमाग की तेज़ है, वो बहुत इंटेलिजेंट है. मैंने कहा कैसे? तो बोले वो वैसे तो मैडम वो अनपढ़ है, लेकिन उंगलियों पे लाखों हज़ारों रुपए के हिसाब कर सकती है, वो इतनी होशियार है दिमाग से. तो मैंने कहा अच्छा, और बताओ. तो उसने बोला कि मैडम पूरे घर की जिम्मेदारी उसी ने संभाल के रखी हुई है. उसके बेटे की जब शादी हुई थी तो उसने घर घर के लिए कुछ, बेटे के शादी के लिए कुछ लोन लिया हुआ था, वो लोन चुकाने में लगी है और पूरे खुद ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद ने ली है. तो मैंने कहा अच्छा, और बताओ. तो बोले कि मैडम और हमारे गाँव में सारे लोग ये जो अल्कोहल होता है जो गुड़ से बनाते हैं उसको फर्मेंट करके उसी प्रोसेस में लगे हैं और सारे गांव में सारे लोग वही काम में लगे हैं. तो ये लेडी भी वैसे ही बनाती है और मर्चेंट्स को जाके बेचना होता है उनको वो सब, तो वो काम करती है वो. एंड बनाते 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 उसको ऐसे पीने की आदत लगी और कम से कम 20 to 25 years से शी इज़ इनटू दिस हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म. तो मैंने कहा अच्छा. एंड अकेली जाके जंगलों में लकड़ियाँ काट कर वो लकड़ियों को बेच कर घर में पैसे लाती है. वही लकड़ियाँ घर में यूज़ करके जो चूल्हे में खाना बनाते हैं, वैसे उनके घर में तो गैस भी नहीं है शायद, तो वैसे पूरे घर का ख्याल रखती है. तो मैंने कहा अच्छा, और क्या बता पाओगे अपने मौसी के बारे में? तो उसने कहा कि मैडम मेरे मौसी ना बहुत दयालु है. तो मैंने कहा दयालु यानी कैसे? तो उसने कहा कि जैसे घर में अगर कोई आए उसके घर में वो और कोई भूखा हो तो अपने थाली में से निकाल के खाना दे देगी, भले ही वो टाइम पे वो भूखी रह जाए चलेगा, लेकिन कभी मना नहीं करेगी. इतनी लोगों के लिए बहुत दया आती है इसको. तो मैंने कहा अच्छा, ऐसी बात है, और कुछ बताओ. तो उसने बोला कि मैडम और क्या बताऊँ, इसको तो 2 बार अभी हार्ट अटैक आ चुका है और हमारे लोकल डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसे दारू पीने लगेगी और तू छोड़ेगी नहीं तो तू तो ऐसे ही मर जाएगी. तो फिर मैंने कहा तो तुम्हारी मौसी क्या बोलती है उस बारे में? तो मौसी ने, मेड ने कहा कि मैडम कुछ नहीं, वो बोलती कि मैं तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, मैं तो ऐसे पीते रहूँगी, तुम मुझे मना नहीं करना है. तो किसी की सुनती नहीं है. तो मैंने कहा अच्छा,
और बताओ। तो उसने कहा कि और बस यही है कि बहुत अच्छी है, दिल से हम बहुत बहुत हम सबके लिए बहुत केयर करती है, घर में किसी के भी कुछ हुआ तो जाके अपने उनके घरों में जाके काम करती है, एंड उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसका कोई कज़िन ब्रदर है जो उनके आसपास के किसी साइड के किसी टाउन में रहता है, तो उनके भाई से मिलने जाएगी बीच बीच में, वहाँ 2 दिन रह कर आएगी, एंजॉय करेगी, अच्छा खाना पीना, वहाँ के फंक्शंस अटेंड करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उसकी भी बहुत शौकीन है वो। तो मैंने कहा अच्छा और बताओ। तो उसने बोला कि मैडम इतना ही है कि दिन भर इतना दारू पीती है, लेकिन काम तो उतना ही रहता है, दारू पी के सोना या किसी को चिल्लाना मारना धोना ऐसे कुछ नहीं करती है। तो मैंने कहा अच्छा, तो दारू पीने के बाद उसके उसके नेचर में कोई पर्टिकुलर इतना कोई चेंज नहीं आता है? तो उस मेरी मेरी मेड ने कहा कि नहीं मैडम, जैसे है वैसे ही है, बस दारू पीने का यही है कि पूरे दिन में इतना पीती है ना, हम देख के थक जाते हैं उसको, अरे यार क्या मतलब, इसकी तबीयत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है ये, तो हम चाहते हैं कि मैडम वो ठीक हो जाए। सो दिस इज़ द केस, एंड वॉट एवर आई हैव इंटरप्रिटेड इज़ ओनली फ्रॉम द नरेटिव गिवन बाय हर नीज, दैट इज़ माई मेड। सो इट वॉज लिटिल चैलेंजिंग बिकॉज आई हैव नॉट सीन द पेशेंट एंड आई नीदर कुड कम्युनिकेट विद द पेशेंट, सो दिस वॉज ओनली टेकन बाय द हिस्ट्री वॉज द मेडिसिन वॉज गिवन ओनली बाय द इंटरप्रिटेशन विच आई केम टू ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री गिवन बाय दैट गर्ल। एंड द रिजल्ट विच आई गॉट वर रियली अमेजिंग, एंड आई होप यू ऑल विल हैव अ वंडरफुल लर्निंग फ्रॉम दिस केस, एंड दिस केस विल ब्रेक ऑल द बैरियर्स दैट लैंग्वेज इज़ नॉट द ओनली थिंग टू अंडरस्टैंड अ केस। इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, इफ द मेडिसिन इज सिमिलिमम, वी कैन डेफिनेटली क्योर द पेशेंट वॉट सो एवर डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। ओके, सो लेट अस ऑल पार्टिसिपेट इन द केस एंड विल लर्न, विल हैव अ वंडरफुल लर्निंग अबाउट इट। सो नाउ कमिंग टू द एनालिसिस, एनालिसिस इज ऑफ दिस केस इज़ वेरी वेरी सिंपल। वॉट एवर रूब्रिक्स आई अंडरस्टूड आफ्टर इंटरप्रिटेशन, आई टुक देम एज इट इज़। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एनालिसिस। द फर्स्ट रूब्रिक विच आई गॉट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, बिकॉज दिस लेडी हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम सम बैंक। उसके बेटे का शादी करना था, तो उसने लोन लिया है, वो लोन चुकाने में लगी है, पूरे घर की जिम्मेदारी उसने खुद ली है। तो वहाँ से क्लियरली ये रूब्रिक पता चलता है हम लोगों को। द सेकेंड रूब्रिक विच आई टुक इज केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, क्योंकि शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर हस्बैंड हु इज़ बेड रिडन, हु इज़ पैरालाइज फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड शी इज़ ऑल्सो वरीड फॉर द अदर्स, हर रिलेटिव्स एंड एनी बडी कम्स टू हर फॉर हेल्प, शी डेफिनेटली हेल्प देम। सो देयर ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस रूब्रिक, केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट। द थर्ड वन विच वी कुड इंटरप्रेट वॉज सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक इज़ किसी के लिए दया आना। सो दैट इज़ वॉट द नरेटिव वॉज गिवन बाय हर नीज डायरेक्टली, सो फ्रॉम देयर आई गॉट द रूब्रिक सिंपैथेटिक। एंड उसको डॉक्टर ने 2 बार हार्ट अटैक आने के बाद बताया था कि तुमको दारू वगैरह पीना छोड़ दो, नहीं तो तुम ऐसे तो मर जाएगी, तुम अपने हेल्थ का ख्याल लेना चाहिए। बट उसने ऐसे शी डिड नॉट गिव अ हीड टू दिस, एंड ऑल द डॉक्टर्स एडवाइसेस फेल इन टू अ डेफ ईयर्स। सो फ्रॉम देयर वी कम टू नो दैट शी इज़ अ वेरी फ्रीविलस लेडी। सो फ्रीविलस इज़ द अनदर रूब्रिक आई गॉट इट। एंड वॉट हर नीज टोल्ड अस दैट मेरी मासी उंगलियों में हिसाब कर सकती है अनपढ़ रहने के बावजूद भी। सो फ्रॉम देयर आई गॉट द रूब्रिक्स इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर, है ना? तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट लेडी, क्योंकि उंगलियों पे हिसाब करना इज़ नॉट अ जोक, दैट टू फॉर एन इलिटरेट लेडी। सो दिस टू रूब्रिक्स आर कन्फर्म्ड। एंड फ्रॉम द अबव इंटरप्रिटेशन आई केम टू द रेमेडी लैकेसिस। सो आई थॉट ऑफ अनदर रूब्रिक। अनदर रूब्रिक इज़ वॉट शी सेड दैट गर्ल शी लाइक्स टू एंजॉय एंड शी लाइक्स टू गो आउट टू हर कजिन्स हाउसेज, शील एंजॉय देयर, शी एंजॉयज वेकेशन, शी एंजॉयज फंक्शंस, शी एंजॉयज गुड फूड। सो वी कैन ऑल्सो टेक गवर्नमेंट हियर एंड या अम्यूजमेंट डिजायर फॉर इज अनदर रूब्रिक। सो फ्रॉम ऑल दिस इंटरप्रिटेशंस आई केम टू टू रूब्रिक्स, वन इज टू रेमेडीज, सॉरी, लैकेसिस एंड कॉक्यूलस। बट
and calculus is clearly ruled out because calculus person will have some there is mathematics ability for in calculus also, but calculus he has that recognizes the reality and accept it. But at some phase of time he'll come, there will be some dullness in the, he'll come to a standstill. He'll say, chalo yaar, now I can't do karke, he'll start taking rest and he'll come to that conclusion, now this is not my cup of tea. But this lady, she did not stop there. She went on doing and doing, even now she is doing. So there itself, the dullness is not at all seen here. So there itself, the calculus gets ruled out. So these were the only two remedies which were coming hand in hand. So I could, we could clearly eliminate calculus, and I came to the conclusion that this lady is lachesis. So now, how to give the medicine now? Because her niece told me that हम लोगों को ये नहीं पता बताना है कि मासी को हमने दवा दी है, तो मैडम इसको कैसे करेंगे हम लोग. एंड ये जो लेडी है, जो मेरी मेड की जो मदर है, उसकी नेबर है, उसके साइड में रहती, दोनों बहने बहने साइड में रहती हैं. तो उसने कहा कि मेरी मासी को हमारे मम्मी के घर में आकर रोज़ एक ग्लास पानी पी के जाने की आदत है, रोज़ आके मेरी मम्मी से मिल के वो एक ग्लास पानी पी के चले जाते. तो मैंने कहा यस, वी कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. तो आपके मम्मी के पास ये, आई गेव हर सम अराउंड 2 ग्राम्स ऑफ लैकेसिस 30 ग्लोब्यूल्स, एंड आई सेड हर दिन जब तुम्हारे घर में आती है तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, उसमें से 3 गोलियाँ वो ग्लास भर पानी में से डाल के वो पानी पीने के लिए आप दे दो मासी को, और मासी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसमें दवा डाली है. तो देन माई मेड वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि मैडम उसमें तो दवा डालेंगे तो गोलियों का स्मेल नहीं आएगा. तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, तुम बेफिक्र रहो और उनको ऐसे दवा देना, और आपकी मम्मी को बोलना है उसको छुपा के रखना है कि मासी को पता नहीं चलना चाहिए ना, तो मम्मी को बोलना छुपा के रखो मेडिसिन. तो ऐसे कर करके एवरी डे शी यूज्ड टू गिव 3 pills ऑफ लैकेसिस 30 वेर पुट इन अ फुल ग्लास ऑफ वाटर एंड इट वॉज गिवन टू द पेशेंट. इन दिस वे डेली शी वॉज टेकिंग. सो नाउ what happened in the follow up, till 1 week I didn't ask anything what is the follow up of the patient. After after 1 week I asked this girl ki are kya ho gaya Kavita, that maine medicine diya tha na maasi ko, kya ho gaya? To usne kaha ki madam itna to kuch farak nahi pada hai, abhi bhi waise hi pi rahi hai. To maine kaha okay, let's wait and watch, dekhte hain kya hota hai. Then after another week this girl came home. And then she told me कि मैडम आज ऐसे हो गया कि मासी ने ना पूरा दारू पीने के बाद ना उल्टी कर दी है. तो मैंने कहा अच्छा, तो उसने कहा कि उल्टी करके ना फिर वो पूरे दिन में उसने हाथ नहीं लगाया, एक बार ऐसे हुआ. उसके और 15 दिन के बाद ऐसे हो गया कि 15 दिन बाद फिर आई ऑल्सो थॉट कि मेडिसिन विल एक्ट, लेट अस वेट एंड वॉच, लेट अस गिव द मेडिसिन टू एक्ट फॉर सम टाइम. देन उसके बाद मैंने कहा कि देखते हैं अभी क्या होता है. और 15 दिन के बाद उसने फिर से मुझे कहा कि मैडम ऐसे हफ्ते में 1-2 बार ऐसे हुआ है, 2-3 बार इनफैक्ट ऐसे हुआ है कि वो दारू पीने लगी है और सुबह के टाइम पे, और उसको पूरा वॉमिटिंग होने लगा. एंड वो वॉमिटिंग होने लगा तब से उसने डे के टाइम पे पूरे पूरी तरीके से दारू पीना बंद कर दिया. तो आई वॉज रियली हैप्पी टू नो दिस. आई थॉट कि यस सी, व्हेन द मेडिसिन हैज़ टू एक्ट इट विल एक्ट एनी हाउ. So I was really happy after hearing that, and then मैंने कहा कि देखा ऐसे काम करता है. And then after that I asked her even, because this girl is my maid, I keep on asking. So उसके बाद मैंने फिर 1 महीने बाद वापस से पूछा, तो उसने बोला मैडम उसने पूरे तरीके से दिन में पूरा ही पीना बंद कर दिया है वो. मैंने बोला पहले कैसे करती थी, तो उसने बोला पहले ऐसे करती थी ना, बनाते बनाते इतना पीती थी, और उसका शाम को भी 6 बजे एक बार, 7 बजे एक बार, 8 बजे एक बार, सोने से पहले एक बार, फिर खाना खा के सो जाती थी, ऐसे करती थी. तो अभी ऐसे हुआ है कि पूरे दिन में उसने बिल्कुल पीना बंद कर दिया है. वो बना रही है अभी भी, उसी प्रोसेस में है, उसी प्रोफेशन में है, काम तो वही है उसका, वो दारू बेचने वाला का, लेकिन अभी बिल्कुल पीती नहीं है, और सिर्फ रात को खाना खाने के बाद तो थोड़ा पी के सोती है, और फिर सुबह तक नॉर्मल रहती है, लेकिन पूरे दिन में उसने कम्प्लीटली बंद कर दिया है. तो आई सेड दैट इज़ रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा हुआ ये तो. और फिर उसने तो ये भी सोचा है, तो उसको उसको बिल्कुल डाउट अभी तक भी आया नहीं है,
एंड अभी तक उसको पता नहीं चला है कि हमने उसको होम्योपैथिक दवा दी है एंड दिस वे, एंड उसको ऐसे हुआ है कि उसको अभी डर लगने लगा है। उसने खुद बोला है, उसकी मेरी जो मेड की मदर है, मतलब वो पेशेंट की बहन है, उसको उसने बोला कि अरे मुझे लग रहा है कि ना अभी मेरा हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है शायद से, इसीलिए मैं अभी दारू मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, तो इसीलिए बेटर है कि देखो मैं जितनी बार पी रही हूँ उतनी बार उल्टी हो रहा है, तो मैं इससे अच्छा है कि मैं नहीं पीती हूँ करके उसने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया पीना डे में। सो दिस वॉज द से, एंड ये जो इसने कहा है कि लगता है मुझे मेरे हार्ट की बीमारी शायद बढ़ गई है, या मेरे मेरे को शायद से दिल की बीमारी कुछ हो गई है, रेट्रोस्पेक्टिवली वी ऑल्सो गेट अनदर रूब्रिक ऑफ लैकेसिस विच सेज डिल्यूशन हार्ट डिजीज ही हैज़, दैट रूब्रिक ऑल्सो कवर्स लैकेसिस। सो वी कैन रेट्रोस्पेक्टिवली अंडरस्टैंड दैट येस, लैकेसिस हैज एक्टेड रियली वंडरफुल इन दिस पेशेंट, एंड वी कुड सेव हर लाइफ इन अ वे। एंड सरप्राइजिंगली नाउ माई मेड हैज़ एक्चुअली टोल्ड मी कि मैडम ये दवा अभी हम मेरे गाँव में तो सारे ही लोग यही करते हैं और सारे लोगों को आदत है, तो मैं सबको ये दवा दे सकती हूँ क्या? तो आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलता है, हर एक जन का अलग अलग हिस्ट्री होता है, तो उनकी मेरी बात उनसे मेरी बात करवाओ, तो हो सके तो हम उनको भी ठीक करेंगे। सो दैट वॉज दिस वॉज द रिजल्ट विच आई गॉट फ्रॉम दिस फ्रॉम लैकेसिस। एंड लाइक इवन इफ द पेशेंट इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, इवन इफ वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली, वी कैन डेफिनेटली गिव लाइफ टू द पेशेंट, एंड आर होम्योपैथी विल यील्ड वंडरफुल वंडरफुल रिजल्ट एज वी हैव सीन इन दिस केस। सो थैंक यू ऑल, एंड आई होप यू हैड अ लर्निंग गुड लर्निंग फ्रॉम